अमीर उलमोमिनीन मस्जिद तशरीफ लाए, अपने कातिल को बेदार किया, इब्ने मुलजिम को कहा औंधा ना सोया कर, पहले तबलीग की उसके बाद बेदार किया। ये जवानों के लिए मैसेज है, जब अली अपने कातिल को बेनमाजी नहीं देख सकता तो अपने मुहिब चाहने वाले को बेनमाजी कैसे देख सकता है। तो खुदा के लिए जो अली का मुहिब है वो फजर की नमाज कभी कज़ा ना करे, अली को पसंद नहीं है। अमीर उलमोमिनीन ने नमाज की इमामत शुरू की, इब्ने मुलजिम फर्क अकदस पे अली की तलवार लगी, इतनी गहरी तलवार थी कि अली का सर पूरी शिद्दत से फिर जमीन में चला गया। यह मैं किताबें देखकर आपसे पढ़ रहा हूं, इतनी गहरी तलवार थी कि सर जमीन पर चला गया। अल्लाहु अकबर। अली ने कूफा की खाक उठाई, अपने सर पर रखी, कुरान की आयत पढ़ी, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मट्टी से खल किए गए, इसी में दोबारा पलटाए जाएंगे, इसी से दोबारा उठाए जाएंगे। खुदा की कसम मौजूदा है ज़ात अली इब्न अबी तालिब। और सजदे में सर रखकर अली ने कहा कि परवरदिगार जब क़यामत में तमाम अंबिया और मुरसलीन जमा हो तो उन सब के सामने, उन शहदा और सिद्दीकीन और अंबिया और मुरसलीन के सामने गवाही देना तू अली के बारे में कि अली ने तेरी इबादत में कभी कोई कमी नहीं की थी।